कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कैंसर की आयुर्वेद में दवा नहीं है, ज़रा सही से ग्रंथों को तो ढूंढो यारो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आयुर्वेदिक औषधि भुवन भास्कर रस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो हर तरह के कैंसर में बेहद असरदार है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भुवन भास्कर रस एक स्वर्ण कल्प है, जिसमें भस्मों के अलावा जड़ी बूटियों का भी मिश्रण होता है। भुवन भास्कर रस के घटक: कज्जली 10 ग्राम, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसील, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, लव भस्म और खरपर भस्म प्रत्येक 5-5 ग्राम, बंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म प्रत्येक 10-10 ग्राम, गोखरू, शुद्ध भिलावा, सौंठ, मिर्च, पीपल, गिलोय, विदारी कंद और वराही कंद प्रत्येक 5-5 ग्राम। भुवन भास्कर रस की निर्माण विधि: सभी जड़ी बूटियों का बारीक चूर्ण कर अलग रख लें। कज्जली और भस्मों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जड़ी बूटियों के चूर्ण को मिलाकर आंवला के रस और नीम के पत्तों के रस की अलग अलग एक एक भावना देकर सुखा कर रख लीजिए। यही भुवन भास्कर रस है, ये जानते हैं। भुवन भास्कर रस की मात्रा और सेवन विधि: 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक 2 स्पून शहद और 1/4 स्पून देसी घी में मिक्सकर चाट कर खाना चाहिए, रोज 2 बार सुबह शाम। हर तरह के कैंसर की प्रथम अवस्था में यानी फर्स्ट स्टेज में यह बेहद असरदार है। ब्लड कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर और कैंसर वाले ट्यूमर, सीस्ट, अबोध, शिश्नाबोध में भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो देखने वाले चिकित्सक बंधु से आग्रह है कि संयोग का निर्माण कर रोगियों पर प्रयोग कराएँ, परीक्षण करें और जो भी रिजल्ट मिलता है उसे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी आयुर्वेदिक औषधि भुवन भास्कर रस के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की दूसरी नई वीडियो और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।